दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गए हैं अकबर के मकबरा पे, जिसे सिकंदरा, जो सिकंदरा में है। ये इधर साइड में देखें कि मुगलों का महल है, इस महल के नाम है कांच महल। इसके अंदर कोई कांच नहीं है, कोई गिलास नहीं है। इसके अंदर जो अकबर का बेटा था ना मैडम जहांगीर, ये जहांगीर का गेस्ट हाउस है। जहांगीर जो शिकार में से लौट के था, अंदर ही साइड में बैठ के एंजॉय करता है। जहांगीर इंजॉय करने के बाद जहांगीर इधर से ही चले जाता था आगरा डैश फोर्ट। ये जितने मुगलों के जो लोग रहते थे आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ये कांच महल जो नाम जो पड़ा था स्मेल के ऊपर ही सीट में देख रहे हैं, ब्लू कलर येलो कलर, ब्लू कलर येलो कलर। ये आपको जैसे पेंट नज़र आ रहा है, ये कोई पेंट नहीं है। जो चीना मट्टी होती है ना, चीनी मट्टी, ये चीना मट्टी के टाइल हैं जो मुगल बादशाह जहांगीर ने इसके अंदर टाइल फिटिंग किए थे। ये टाइल इसलिए फिटिंग किए थे मुगल बादशाह जहांगीर ने, इसके अंदर जो साल में जो पूर्णमासी चंद्रमा आता ना, ये मुल्लेज में टाइल ऐसे चमकते हैं चांदनी रात में कांच जैसे। तो मुगल अकबर ने जो राज्य किए हिंदुस्तान के अंदर वो 50 साल राज के, 50 साल। इन 50 सालों के अंदर अकबर ने से 1547 से बनवाए थे। दिल्ली के अंदर हुमायूं टू में, आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी, आगरा डैश फोर्ट है, कश्मीर का फोर्ट है, इलाहाबाद का फोर्ट है, आसाराम का फोर्ट है, मरीन टू में, ये तो छोटे बड़े 1547 से बनवाए थे मुगल अकबर ने। जो मुगल अकबर जो लास्ट में जो आया था वो यहाँ पर आता है जगह पर। अकबर ने आके दिन में जैसे जगह देखी, अकबर को जगह पसंद आई। अकबर ने अपने मरने से पहले इस बिल्डिंग जो स्टार्टिंग जो किया वो 1602 में से स्टार्टिंग किया। 1605 में अकबर का डेथ हो गया आगरा डैश फोर्ट के अंदर। जब मुगल अकबर इस बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसको अकबर इस बिल्डिंग को अंदर से लेकर पूरा बाहर तक एक दिन सीएल लाल पत्थर का बना के छोड़ गए थे। अकबर को जो दफनाया वो अकबर के बेटे ने दफनाया था अंदर ही साइड में सेंटर पर। दोस्तों इस मॉन्यूमेंट में आते टाइम हमें लैपटॉप अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम जो लैपटॉप है वो यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। इस मेन गेट की दोनों साइड में देख रहे हैं जो लाल पत्थर जो खाली साइड में जो पड़े हुए हैं, ये लंगर खाना बना हुआ है। ये लंगर खाना इसलिए बनवाया था अकबर ने, यहाँ पर मुगल अकबर गरीब लोगों को लंगर भंडारा लुटाया करता है। सर देखिए मैडम, आप लोग जो अंदर का जो एरिया देख रहे हैं, आप लोग अंदर का जो एरिया है वो 123 एकड़ के एरिया है सर, 123 एकड़। मैडम इसके 25-25 में इसके 4 गार्डन हैं, 2 सामने में, 2 उसके पीछे हैं। 100 एकड़ में इसका 4 बाग बगीचा बनूंगा है और 23 एकड़ में इसका बिल्डिंग बनूंगा है। इस बिल्डिंग के नीचे 4 गेट हैं इसके अंदर। जो आपका मेन गेट है आना जाने के पीछे वाला गेट है जहांगीरी गेट, जो मुगल लोगों ने आना जाने एक ही गेट थी, इस गेट को बोलते हैं साउथ गेट। आना जाने किया शुरू से लेकर एंड तक वो साउथ गेट से किया। देखिए सर जी, आप लोग सामने जो बिल्डिंग जो देख रहे हैं स्टेट में, इसका नीचे से लेकर ऊपर था 5 स्टोरी बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं पंच महल। जो मुगल अकबर ने जो लाइफ में जो काम जो करता था इस बिल्डिंग के अंदर, और जैसे 4 स्टोर तक काम किया पूरा लाल पत्थर तक, और पाँचवा वाला वो जहांगीर ने पूरा कम्प्लीट करा था, कम्प्लीट करवाया था, तभी इसको बोलते हैं पंच महल, इसको बोलते हैं हवा महल। मतलब इस बिल्डिंग के अंदर जैसे नीचे की साइड में जैसे 44 रूम है, ये 44 रूम कोई रहने का ये जगह नहीं है कि मात्र एक कब्रिस्तान की जगह है। दोस्तों यहाँ पे जो अकबर का टूम है सिकंदरा में, हमें वहाँ पे कुछ हिरण भी दिखे, ये यहाँ पे फ्रीली घूम रहे हैं, ये वाला ना बहुत सुंदर। और एक हिरण का जो टोला है वो यहाँ पर भी है। देखिए मैडम, आप जो सामने छतरी जो सफेद छतरी देख रहे हैं दरवाजे के ऊपर ही, ये हिंदू डिजाइनिंग का, राजस्थान का डिजाइनिंग, जैसी है राजपूत डिजाइनिंग है। जो सफ़ेद छतरी जो बनी हुई है ना, कि एक दिन जैसे मंदिर टाइप की सफ़ेद छतरी बनी हुई है, इस सफ़ेद छतरी के नीचे देखो जैसे लाल पत्थर लाल में जैसे क्रॉस बना हुआ है,
ये क्रिश्चियन डिजाइन है, दोनों साइडों में पिलर जो दिख रहे हैं खड़े हुए साइडों में, ये मुस्लिम मार्केट एक्चुअली की एक मस्जिद का डिजाइन निकल हुआ है। तभी इस गेट को बोलते हैं दीनी इलाही गेट, जो दीनी इलाही धर्म इसलिए चलाया था मुगल अकबर ने, जो मुगल अकबर सारे धर्मों को मानता था, जो उसी गेट पे जिससे सभी धर्म के सात धर्म के आर्किटेक्चर हैं, जिससे जूस है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैविद है, जैनिस है और क्रिश्चियन है। तभी इस गेट को बोलते हैं दीनी इलाही गेट। ये इधर साइड में देख रही है पानी का टैंक, इस बिल्डिंग के पीछे मुगलों का टैंकर जिससे जमुना थी मैडम, जैसे ताजमहल के पीछे है जमुना का जो पानी जो आता है इन टैंकों में, वो अकबर के टॉम के नीचे 10 फुट नीचे जैसे पाइपलाइन पड़ी हुई थी सेंटर से, इसके टैंक के जैसे पानी का फाउंटेन लगा हुआ है बीच में, यहाँ पानी के फौरे चलते थे उस जमाने के अंदर मुगलों का टैंक है। ये जितने जो टैंक फूट जाते हैं ना पानी के, जो पानी जो बाहर की साइड में जो गिरता है ना आके, ये सब पानी चैनलों में आता है, जितने चैनल जो बने हुए हैं ये चैनल हाथ पूरे के बाद इनका जो पानी जाता है ना वो सब नीचे गार्डन में चले जाता है मैडम। मेरा आज फर्स्ट वाले रूम के अंदर जो देखेंगे आप लोग, ये फर्स्ट वाले रूम जो बना हुआ है ये अकबर की जिससे फर्स्ट वाले पे जिससे रुकैया बेगम की टॉम यहाँ बनी हुई है। देखिए मेरे आप लोग जिस महल को जो देख रही हैं आप लोग, इस महल को जो जाना जाता है नाम से वो गोल्डन पैलेस नाम से जाना जाता है, जिससे गोल्डन पैलेस है सुनहरी महल। देखिए मेरे आप लोग जो उसका नीचे से लिखे हुए जो पेंटिंग देखते हैं यहाँ पे चारों तरफ, इसके मुकुंड में जो पेंटिंग थी इसके अंदर सोने की पेंटिंग थी इसके अंदर, क्यों उस महल जो सजाया था वो जानिए इस महल को सोने से सजाया था। 1761 में सूरज महल जाट आया था कि बृहस्पति गया था राजस्थान में इस बिल्डिंग को अटैक करा, जो सूरज महल जाट अपने हाथों से इस पेंटिंग में सोना निकालना चाह रहा था, उसके हाथों में सोना निकला नहीं, जो सूरज महल जाट ने अपने दिमाग से इस महल के अंदर घास भूसा भरकर इस महल के अंदर आग लगा दी थी, जितना भी सोना प्लग प्लग के नीचे गिरा था सूरज महल जाट उसमें से निकाल के ले गया। ये इधर साइड में देख रहे हैं जो येलो कलर में जो सैनिक जो मार रहे हैं वो एकदम रियल सोना है, ये जो सोना जैसे छत से लगा हुआ है, इस सोने की क्रिएटिविटी इस लॉक को जो नीचे साइड में देख रहे हैं ये सुनहरी पेंट है, एक पेंट इधर किया है ब्रिटिश लॉक को जो है वो एक पेंट यहाँ सामने फेस पर किया है, सामने में ये सामने में किया फेस पर, क्यों ब्रिटिश लॉक ने जिस महल के अंदर सुनहरी पेंट पूरे में कराना चाह रहा था, क्यों उतना पेंट ब्रिटिश लॉक को जो ने किया नहीं, इस मारे नहीं किया आने वाले समय के अंदर दोबारा से इस रूम के अंदर सोने के चक्कर में जिससे लूटा मारी नहीं हुई तो बिल्डिंग जिससे डैमेज हुई थी खराब हो जाती, इसीलिए ब्रिटिश लॉक ने दो जगह पेंट किए हैं सुनहरी पेंट। ये जैसे भी देख रहे हैं कुरान जिससे 29 पढ़ा है कुरान का, जो मुस्लिम धर्म में जो लोग मर जाते हैं कुरान को 29 पढ़ी जो पढ़ते हैं ना उसकी डेथ बॉडी को बहुत शांति मिलती है, वो अंदर में अकबर का टॉम है। ये सामने शिल्प में देखें वो अकबर का रियल टॉम बना हुआ है, अकबर को मारा दफनाया था अकबर के बेटे ने जहांगीर 1605 में, अकबर के रूम के अंदर एक आवाज होती है अल्लाह अकबर की, उस रूम के अंदर ही अकबर के रूम के अंदर से 5 सेकंड का ईगो होता है, एक आवाज बोलेंगे 5 सेकंड का ईगो होगा। तो अब हम अकबर की टॉम जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। अब हम इसके थोड़ा चारों तरफ घूम के देखते हैं कि कैसा है। Thank you.